इसी तरह से ना सारे सूख जाएंगे। पुदीना लग चुका है, अब ये अच्छे से हो जाए। अगर होगा तो मैं आप सबको ये दिखाऊंगी। ये पहले था और आप असलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबाना, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग मेरे कमरे का हाल देख रहे हो, बहुत ही गंदा हो चुका है। और ये जो मेरी मशीन है इसका जो ये वाला फट्टा है ये छोटा पड़ रहा था, और इस पे मशीन थोड़ी चलते में हिलती भी है, मतलब है ये थोड़ा हल्का पड़ रहा था। तो ये वाला मैंने बोर्ड मंगवाया है और उसका जो है ये मैं फट्टा इसका दूसरा बनवा रही हूँ। और ये जो जितना भी गंद मेरे कमरे में फैला है इसी की वजह से फैला है, ये इसमें कटिंग हो चुकी है। इधर जो इसकी वो बेल्ट वगैरह लगती है उसका भी हो चुका है, अभी इसमें थोड़ा काम बाकी है। इसमें सरमाइका लगेगी जो यहाँ पर लगेगी, इसके कोने वगैरह सही होंगे, इस तरह से चिकने जैसे इसके हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही काम हुआ है, ये सारा घर फैला हुआ है इसे मैं समेट लेती हूँ यहाँ से। बाकी का काम अभी इसमें कल और होगा, जब इस पे सरमाइका वगैरह लग जाएगी तब इस पूरा फाइनल होगा, और उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल भी दिखाऊंगी कि इसमें मशीन कैसे लग रही है। फिलहाल मेरे कमरे की हालत बहुत ही गंदी है और सारा घर अटा हुआ है, लेकिन अभी रात का टाइम है, हम ज्यादा डीप सफाई इसकी करेंगे नहीं। झूठ बोल रहा। बस ये यहाँ से बिस्तर वगैरह साफ कर लेते हैं और खाने का भी टाइम हमारा हो रहा है, बस यही ऊपर ऊपर से झाड़ू वगैरह करके साफ सफाई कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। One hour later. और मैं थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा अब कमरे की आप हालत देख सकते हो, पूरा कमरा साफ करा है, ज्यादा डीप तो क्लीनिंग करी नहीं है, पर हाँ ऊपर ऊपर से पूरा मैंने साफ कर दिया है ताकि हम रात में लेट बैठ सकें, क्योंकि काम अभी इसमें काफी काफी बाकी है और ये काम It's होगा time कल। for bed. अब खा लेते हैं हम खाना, क्योंकि भूख भी बड़ी जोरों की लगी हुई है। तो चलिए अब खा लेते हैं हम खाना। The next day. पाइप आ जाएगा नहीं यहाँ का जो है ना पटला भी छोटा है, इसमें तो कट्टे भी ले आए थे तुम। नहीं चलिए वाला पे नहीं रहने दो, क्योंकि गेहूँ सूखेंगे ना। नहीं कोई जरूरत नहीं है, पटला वटले की इसी से ही धो लेंगे। अब तुझे यहाँ पकड़ के बैठना पड़ेगा। और ये था अगला दिन, हम आए थे छत के ऊपर, यहाँ हमें धोने हैं गेहूं, क्योंकि अब के गेहूं बड़े ही गंदे थे। अच्छा तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें धो लें, और धूप भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी निकल रही है, मौसम काफी अच्छा साफ है, तो ये यहाँ अच्छे से सूख जाएंगे। कितना गंद है इनमें, मिट्टी कंकड़। अच्छा नहीं तो मैं लाई नहीं, देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। आटे वाली इसका जो कूड़ा है इसमें से ऊपर से निकालेंगे। नहीं ये तो दूसरी है आटे वाली। बेटा नीचे चली जा तू, और उससे रूबी अप्पी से कहिए क्योंकि आटे की ना वो दे दो मुझे छन्नी। माँ मंगा रही है क्योंकि आटे वाली छन्नी दे दो, वो गेहूं में से कूड़ा निकालेंगी ऊपर से। इतनी मिट्टी है ना, ये ना सारा कूड़ा छलनी आ जाएगी ना, तो फिर इसे ना इस तरह से ऊपर से निकाल देंगे।
दीदी वाह दीदी नहीं नहीं मुझे लगा एंटी हूँ पर नहीं वो तो अभी सो गई तो उठा कौन नीना बस अब अच्छा हमको सिखा रही है करना फिर सारा काम तेरे हवाले है फिर बच्चों को कितना शौक हो जाएगा अभी कितना गंदा पानी है कल से चढ़ाया ये तेरी मम्मी ने तो मन तक अंदर से ले रहे थे पानी वो सही था नहीं उसका भी वो हाथ से निकलता सारे करूंगी क्या थोड़ी सी हाँ मैं तो सारे धोऊंगी और ये एक बार के गेहूं हमारे धो चुके हैं और इसके अंदर निकाल दूंगी मैं एक बार पराठ है ना पानी इसका नीचे निकल जाएगा और फिर इसे चक्कर पे फैला दूंगी अब के लिए पानी है मैंने 4-5 पानी निकाले इसे अब गेहूं का पानी साफ है One hour later. और मैं आ गई थी किचन में गेहूं वगैरह धोने के बाद गेहूं मेरे छत पे सूख रहे हैं धूप काफी अच्छी थी और मैंने जो ना ऑनलाइन कुछ सामान मंगाया था सब्जियां वगैरह मंगाई थी उसमें मैंने पुदीना भी मंगाया तब मैंने ये पुदीना निकाल के देखा तो मैंने देखा कि इसमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे पत्ते निकल रहे हैं जैसे कि कोई पौधा ग्रो होता है तो उसमें छोटे छोटे से ये पत्ते आते हैं और इसके अंदर ना थोड़ी जड़ें भी हैं ये इस तरह की तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने किचन के अंदर मेरा एक ये है जिसमें ये जिसमें मैंने पहले मनी प्लांट बोई हुई थी तो ये मनी प्लांट बेचारी सूख चुकी है खराब हो गई है तो मुझे एक आइडिया आया क्यों ना इसको मैं पुदीने को बो देती हूँ तो हो सकता है क्या पता ये नन्हे नन्हे पत्ते अच्छे से निकल आए मिट्टी में बोने के बाद बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा तो बस वही कर रही हूँ अगर हो जाएंगे तो अच्छी बात है देख लेते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं इसे भिगो लेती हूँ मिट्टी को क्योंकि मिट्टी काफी टाइम से सूखी हुई पड़ी है मैंने भी इस पे ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मनी प्लांट तो सूख ही गई थी तो चम्मच के पीछे के हिस्से से इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से कर लेती हूँ मैं ऐसे ये पानी को पी लेगी ना तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और जब ये सॉफ्ट होगी तो फिर बस इसके अंदर में लगा दूंगी देखते हैं अगर हो जाएगा तो अपने घर के अंदर ताजा ताजा पुदीना चटनी में काम आएगा गर्मियों में रायते में काम आएगा
क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कोशिश करने से क्या है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। नहीं भाई, मिट्टी अंदर तक थोड़ा सा पानी पी लेगी, सॉफ्ट हो जाएगी। इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाए, फिर इसे अच्छे से करूंगी, क्योंकि इसमें मिट्टी नीचे सूखी हुई है। सही पकड़े हैं। A few moments later. थोड़ी देर के बाद जब मैंने इसे देखा चला के, तो ये सारी मिट्टी अंदर तक सॉफ्ट हो चुकी है इस तरीके से। पर मुझे लग रहा है जैसे इसमें पानी थोड़ा ज्यादा हो गया, पर इतनी तो गीली चाहिए ही होती है ना थोड़ी सी, ताकि हमारा पौधा अंदर तक इसमें अच्छे से जा सके। मैं देखती हूँ कौन सी इसमें थोड़ी सी अच्छी सी, देखो जैसे ये निकल रहे हैं। मैंने इसके अंदर लगा दिया और हल्का सा पानी और डाल देती हूँ, वैसे तो मिट्टी काफ़ी गीली है, फिर भी जब ये पौधे इसमें मैंने लगाए हैं तो ये थोड़े से मिट्टी पानी डलेगा तो थोड़े से अच्छे से सेट हो जाएंगे। हल्का सा पानी इसके अंदर डाल देती हूँ और इसे करती हूँ साफ, और इसकी चारों तरफ से मिट्टी साफ कर देती हूँ। पुदीना लग चुका है, अब ये अच्छे से हो जाए, अगर होगा तो मैं आप सबको ये दिखाऊंगी। जब भी ये इसमें थोड़ी गिरोह अगर होने लगी, अगर सूखा तब भी, अगर गिरोह होने लगी तब भी, और इसे मैं रख दूंगी अपने यहाँ किचन में। यहीं पर मैंने इसके अंदर मनी प्लांट बोई हुई थी पर वो सारी सूख चुकी है। अब देखते हैं पुदीना होता है या नहीं होता है। The next day. तो मेरी मशीन हो चुकी है तैयार, ये पूरी फाइनल हो चुकी है। इसमें मोटर वोटर सब सेट कर दिए, जैसे पुराने वाले फट्टे के अंदर सेट थी, और ये पहले से काफ़ी हैवी भी है और ये काफ़ी बड़ा भी है उससे पूरा, और पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं आपको पुराना वाला भी दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए ये पहले था, और आप जैसे देखो ये काफ़ी बड़ा है और ये छोटा है, इसीलिए मैंने इसे चेंज करवाया है, क्योंकि जो सूट वगैरह मैं यहाँ पे सिलती थी ना तो वो अच्छे से फैल नहीं पाता था, ये छोटा पड़ता था, तो उस हिसाब से अब ये मेरे सूट अच्छे से फैल सकते हैं, सिलाई भी अच्छे से हो सकती है। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और मैं कर लेती हूँ अब सिलाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब किया करो, लाइक भी किया करो, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।